हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स नेट अचीवर। माय नेम इज़ हेमलता। आई एम एमए इकोनॉमिक्स एंड बीएड। आई हैव क्वालिफाइड सीटेट, पीटेट एंड सीएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स। आई एम हेयर टू टीच यू इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। So subscribe our channel to get regular videos related to economics. In this video, I will teach you about the methods of fiscal policy. Students, we have four methods of fiscal policy. First is taxation policy, government expenditure, public debt and deficit financing. So students, first we have a taxation policy. Okay, you know what are the taxes? Taxes are the compulsory payment that people have to give without any benefit. Okay, so we have two types of taxation. First is indirect and direct. You know what are indirect taxes? Indirect taxes are those taxes जो बेटा impose किसी और पे होते हैं और उसको pay कोई और करता है, ठीक है। और direct taxes वो होते हैं जिस पे impose होते हैं वो ही उसे pay करता है। Indirect taxes की example है जैसे बेटा sales tax हो गए या excise duty हो गए, और direct tax हो गए जो हमारे income tax हो गए और वेल्थ टैक्स हो गए। हाँ जी बेटा, अब जो टैक्सेस क्या करते हैं, टैक्सेस लगने से क्या होता है, जो हमारी रियल इनकम है, रियल इनकम जो मतलब हमारी परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इनकम की डिक्रीज होती है, ठीक है। अब इनकम के डिक्रीज होने से देखिए क्या हुआ, यहाँ पर डिमांड भी डिक्रीज हो गई, ठीक है। और इससे पता लगता है कि जो इफेक्ट है टैक्सेस का, ठीक है, ऑन डिमांड्स वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे टैक्सेशन मल्टीप्लायर पर। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा फॉर्मूला है जो टैक्सेशन मल्टीप्लायर का, एक और फार्मूला टैक्सेशन मल्टीप्लायर का, वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। केट इज़ इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाय वन माइनस सी। जो यहाँ पे बेटा सी है वो क्या है, हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब होता क्या, जब टैक्सेस लगते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो रियल इनकम कम हो जाती है और उससे क्या होती है, हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। अब एग्रीगेट डिमांड के कम होने से क्या हो जाएगा, हमारी नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब ऑपोजिट रिलेशन है यहाँ पर, यहाँ पर ऑपोजिट रिलेशन है किस किस के बीच में, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच में और हमारे टैक्सेशन मल्टीप्लायर के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड है फिस्कल पॉलिसी का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, हाँ जी बेटा, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसका एग्रीगेट डिमांड पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, जब तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इससे क्या होती है, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी बढ़ती है। एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से क्या होता है, हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके अपोजिट अगर तो हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हुआ, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी और क्या होगा, इसके साथ ही हमारी नेशनल इनकम भी कम होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर का, एक और फॉर्मूला पब्लिक एक्सपेंडिचर का, यू कैन नोट डाउन, के जी इज इक्वल टू वन माइनस सी। यहाँ पे क्या डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। सी यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड मेथड है वो है पब्लिक डेट पॉलिसी। हाँ जी, आपको पता है बेटा जो हमारे डेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल।
इंटरनल आपको पता है जो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कंट्री से लेती है या आरबीआई से लेती है, और एक्सटर्नल जो फॉरेन कंट्री से लेती है, ठीक है, या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक वगैरह से। अब अगर तो इन पब्लिक डेब्ट का यूज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर में होता, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उससे क्या होगी, हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, और इसी के साथ क्या बढ़ेगी, हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। और अगर पब्लिक डेब्ट का यूज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर में नहीं हुआ, ठीक है, सो क्या होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर में नहीं हुआ तो इसका मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा और हमारा एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस होगी, और इस तरह से हमारी नेशनल इनकम भी रिड्यूस होगी। ओके हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट और फोर्थ मेथड है डेफिसिट फाइनेंसिंग। हाँ जी, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, जब गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट डेफिसिट में घाटे में होता है तो उस टाइम पे वो क्या करती है, बैंक्स जो हमारे सेंट्रल बैंक है उससे लोन लेती है, या तो क्या करती है, जो हमारे कंट्री में नोट्स वगैरह उसको छापती है, ठीक है। अब अगर तो क्या होता है, कंट्री में क्या होता है, जिस टाइम पे इन्फ्लेशन चल रही हो उस टाइम पे क्या करता है, उस टाइम पे डेफिसिट जो फाइनेंसिंग है वो बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग से तो और इन्फ्लेशन होगी। सो गवर्नमेंट क्या करती है, जब कंट्री में इन्फ्लेशन चल रही है, ठीक है, सो उस टाइम पे हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करती, मतलब न्यू नोट नहीं छापती, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या करना होता गवर्नमेंट को, इन्फ्लेशन के टाइम पे एग्रीगेट डिमांड को कम करना होता ताकि जो प्राइजेज भी क्या हो जाएं, कम हो जाएं। ओके, फिर इसके ऑपोजिट जब डीफ्लेशन चल रहा है इकॉनमी में, उस टाइम पे गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी को क्या करती है, इशू करती है। करेंसी के ज़्यादा इशू होने से देखिए क्या हो जाएगा, हमारी क्या हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी और प्राइजेज भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड सब्सक्राइब इट।